वेल देखो सबसे पहले अगर मैं इसके फ्रंट से स्टार्टिंग करूँ तो Altroz का फ्रंट वाइज देखो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। काफी क्लासी लगती है गाड़ी, नो डाउट लुक वाइज काफी ज्यादा बढ़िया है, बट फिर भी बेस वेरियंट के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो कंपनी नहीं ऑफर करती है। तो अगर आप आफ्टर मार्केट डलवाएंगे तो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी रहती है वो सारी चीजें। एंड उसी के साथ देखो आफ्टर मार्केट दो तीन चीजों के बेनिफिट रहते हैं। कंपनी फिटेड क्या है, देखो भाई जो चीज टॉप वेरियंट में आ गई सो आ गई, हालांकि कंपनी फिटेड चीजें अच्छी होती है नो डाउट, बट उनकी कॉस्ट भी फिर उसी हिसाब से कंपनी लेती है। बट अगर आप आफ्टर मार्केट जाएंगे तो अपनी पसंद का काम हो सकता है, सबसे पहली चीज़ वो है। दूसरी चीज़ अगर आप लोग आफ्टर मार्केट जाएं और थोड़ा मतलब देख के अच्छी प्रोफेशनल वाली जगह से काम कराएं तो आपकी वारंटी वॉइड भी नहीं होती और वायर कट भी नहीं होती है। जैसे कि सबसे पहले अभी इसके अंदर ये LED DRLs इंस्टॉल करें जिसके अंदर डुअल फंक्शनैलिटी आती है, अपनी LED DRLs भी है और ये येलो वाले जो बल्ब है ये आपके टर्न इंडिकेटर है। वाइप इन वाइप आउट वाले लुक में जलते हैं, ऐसे करके जलेगी ऐसे करके बंद होगी, सेम उसी फॉर्मेट में। नॉर्मल हैलोजन लाइट्स हैं, इनको तो भाई अपग्रेड करवा नहीं रहे, उनका बजट नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर फॉग लैंप्स वगैरह लग सकते हैं बट बेस वेरिएंट में नहीं आते तो वही चीज़ बजट नहीं है, इस वजह से नहीं लगवा रहे। यहाँ पे इन्होंने बम्पर प्रोटेक्टर लगवा लिए हैं जो कि भाई एक गाड़ी के अंदर काफ़ी काम की चीज़ रहती है, बम्पर प्रोटेक्टर्स को लगवा लेना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी कंजेस्टेड एरिया से बिलोंग करती है, फिर कंजेस्टेड एरिया से ज़्यादा टाइम पर निकलती है। एमरॉन की इसके अंदर बैटरी ऑफर करता है टाटा आप लोगों को, और देखो इसका ये अभी कनेक्शन इस वजह से खोल रखे हैं, अभी मैं देख ही लेता हूँ। हाँ देखो भाई इसके कनेक्शन कर दिए हैं यहाँ से, ये जो वायर देख रहे हो रेड वाली, काफ़ी लोग इस वायर को जानते भी होंगे किस चीज़ की होती है। नॉर्मली आपकी बेस ट्यूब की वायर होती है, पहले यहाँ से चलना शुरू करती है बैटरी से, इसको करंट मिलता है, जाती है एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर से कनेक्ट होकर पीछे जाकर आपकी बेस ट्यूब में कनेक्ट हो जाती है। और एम्पलीफायर के अंदर आपके सारे स्पीकर्स के कनेक्शन भी होते हैं, आपका कॉम्पोनेंट हो, नॉर्मल को एक्सल हो, आपके ट्विटर और आपके जो क्रॉस ओवर होते हैं सारी चीज़ों के कनेक्शन आपके उसके अंदर होते हैं प्रॉपर आपके एम्पलीफायर में। अब ये इसका 3-सिलेंडर इंजन है जिससे कि आप लोगों को अराउंड 84 BHP की पावर निकाल देता है, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपकी कार है ये। एंड इसके अंदर अभी देखो हॉर्न भी इंस्टॉल कर रहे हैं, डुअल सेटअप वाला हॉर्न है जिसमें आपको पॉम वाली साउंड देखने के लिए मिल जाती है। साउंड वगैरह भी अंदर चल के सुनाऊंगा, बट इस गाड़ी की एक बहुत बड़ी मेजर हाईलाइट ये है कि एक तो बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट में ब्लैक पियानो फिनिश वाला आपको स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए नहीं मिलता। आपको इसका स्टील व्हील दिखा देता हूं, स्टील व्हील के अंदर आपको पता है कि जो बेस वेरिएंट्स होते हैं उनमें स्टील व्हील आते हैं, इसमें व्हील कैप्स भी लग रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, भाई व्हील कैप लगवा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद इसके अंदर एलॉय वगैरह इंस्टॉल हो जाए। जब इसमें एलॉय व्हील्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो उसके लिए भाई जब आएंगे तो सेकंड पार्ट बना दूंगा। फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है, चाहे Altroz का बेस वेरिएंट भी और टॉप वेरिएंट भी खरीद लो तो भी इसमें फेंडर पे मिलता है। तो इसमें बेस वेरिएंट खरीद के अगर आफ्टर मार्केट मॉड करा लो तो पता भी नहीं लगा सकता कोई कि आपका कौन सा वेरिएंट है। ब्लैक पियानो फिनिश के साथ बेस वेरिएंट में ही आपको ORVM आ जाता है जो कि पर्सनली मेरे को देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। नॉर्मली इसको देखो ऐसे हाथ से आप इसको ऐसे करके बंद करेंगे एंड हाथ से इसको खोलेंगे, बट एडजस्टमेंट इसकी जहाँ तक आप अंदर से कर सकते हैं, या फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहीं से होगी अंदर से होगी, लेट मी चेक। नहीं इसकी एडजस्टमेंट हाथ से ही होगी। चलो गाड़ी लेके आ रहा हूँ। किस दुकान पे? दुकान पे। दुकान पे नहीं जाऊँगा मैं यार। तो भाई वहीं गाड़ी लगेगा। कहाँ लगेगा? हाँ ये हाथ से ही होगा। तो भाई देखो इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो हाथ से ही होगी, इसके लिए अगर आप चाहो तो पूरा ORVM ही चेंज हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक करवाना है तो। यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश आ जाती है, इसके अंदर रेन वाइजर्स इंस्टॉल करें जिसपे Altroz की ब्रांडिंग है, एंड साइड प्रोफाइल में इसके अंदर आपको साइड बीडिंग मिल जाती है जिसपे पतली सी क्रोम की स्ट्रिप है, आई पॉप्स भी इंस्टॉल कर दिया है। ओवरऑल ये देखो ये जो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना ये सारी की सारी गाड़ी की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। बाय द वे आपका गेट खोलते हो कहीं पर टच हो जाए, वैसे भी इसके तो 90 डिग्री तक ओपन होने वाले डोर्स आते हैं, तो इस गाड़ी के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें लगवानी थोड़ी सी मेरे पर्सनली ओपिनियन से थोड़ी सी मस्ट है, क्योंकि अगर एक बारी पेंट पे स्क्रैच आ जाए या फिर उस पे डेंट आ जाए या फिर अगर उसका पेंट उतर जाए तो भाई उसका आप कुछ नहीं करवा सकते हो। इन चीज़ों का क्या है, टूट जाए खराब हो जाए उतारो दूसरी लगवा लो, तो वो एक कंसर्न रहता है, वो डिपेंड करता है भाई, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जिसको लगवाना हो। बाकी पीछे की लुक Altroz की ऐसी देखने के लिए मिलते हैं, हर किसी ने देखी होगी, यहाँ पर नॉर्मल इसकी लाइट्स आ जाती हैं, सेंटर में Altroz की ब्रांडिंग है। और इसके अंदर एक चीज़ मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आई है कि बेस वेरिएंट के अंदर ही यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन दे रखा है इन्होंने, ओपन करके दिखाता हूँ। एंड पीछे की तरफ आपको दो ही रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पे। और एक चीज़ और पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, इसकी जो लाइसेंस प्लेट है मतलब जो आपकी नंबर प्लेट होती है उसके ऊपर आपको जो लाइट्स मिलेंगी इनका थ्रू मिलेगा वाइट, जो कि भाई मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी कंपनियां ना अपने टॉप वेरिएंट में भी नहीं देती हैं, जो चीज़ टाटा ने अपनी Altroz के बेस वेरिएंट में दे रखी है, ये भी एक काफी बढ़िया चीज है। बाकी अगर इसके अंदर एंटीने की बात करें तो शार्क फिन लग सकता है आफ्टर मार्केट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन दिखा देता हूँ, ये देखो भाई इसके अंदर यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन है सामने की तरफ। और एक चीज और फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, जब भी मैं इसको अनलॉक करूंगा हॉर्न साउंड करेगा, देखो ये मेरे अनलॉक करने पर हॉर्न साउंड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अंदर से कोई बजा रहा है, जितनी बार वो बटन प्रेस होगा उतनी बार इसका जो हॉर्न है वो साउंड करता है। यहाँ से इसको अपना बंद कर सकते हैं, एंड अभी बूट के अंदर सामान पड़ा हुआ है,
ये आप देख रहे हो ना, ऐसा इसका कंसोल रहता है जहाँ पे इसका म्यूजिक सिस्टम लगता है। इसको निकाल के भाई देखो प्रॉपर एंड्रॉइड इंस्टॉल करा है आगे की तरफ। अभी आपको आगे लेके चलूंगा, वहाँ पे ले जाके दिखाता हूँ जो इसके अंदर एंड्रॉइड इंस्टॉल करा है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या चीज़ है वो ऑफर करता है। एंड ये जो आप वायर वगैरह देख रहे हैं इसके अंदर, पीछे अभी यहाँ से पूरी वायर आएगी, एक तो बेस ट्यूब की वायर जाएगी और दूसरी वायर इसके यहाँ से अंदर अंदर से होती हुई प्रॉपर यहाँ पे देखो भाई इसमें कैमरा लगा है, अभी लगा है, लगना बाकी है अभी भाई, कैमरा नहीं लगाया, अभी कैमरा लगेगा तो उसकी स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। कारता पीछे से एक बार रियर चेकआउट कर लो गाड़ी का, रियर ऐसा है और लिटरली बता रहा है व्हाइट और ब्लैक में। पर्सनली मुझे कार का जो कलर है काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसके पीछे की तरफ यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा लगा दिया, जो थोड़ा काला काला हो रहा है ना, काम करता है थोड़ा गंदा हो जाता है। बाकी इसके अंदर नाइट विजन भी आता है, अंदर जो एंड्रॉइड लग रखा है सामने उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मैं ऑन करके चला के बढ़िया तरीके से दिखाऊंगा, क्योंकि अगर कोई काम कराने आए तो भाई उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए। और भाई साहब ये जो 5 स्टार है ना, इसके एक एक जगह महसूस होता है, इसका बोनट खोल लो, डिग्गी खोल लो, गेट खोल लो, फिर कुछ भी। सबसे पहले यहाँ पे नीचे अल्ट्रोस की आप लोगों को स्कफ प्लेट्स मिल जाएंगी एंड इसके अंदर प्रॉपर भाई बकेट वाले सीट कवर इंस्टॉल करे हैं, रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। नॉर्मल सा सीट कवर्स ऐसे देख लो आप, सीट कवर्स इसकी गाड़ी की आज की जो मेन हाईलाइट है वो सीट कवर्स नहीं है, मेन हाईलाइट है गाड़ी के अंदर जो फुल मॉडिफिकेशन हुई है वो सारी चीज़ें। एंड कुछ ओवरऑल ऐसा इसका रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा। पीछे से स्टैंडअप डिस्प्ले इसके अंदर आती है आपको एंड्रॉइड के अंदर। एंड इसके अंदर यहाँ पे अभी इंस्टॉल करी है अपनी जो वेलकम लाइट होती है वो, अभी उसको पीछे वाली को चिपकाना बाकी है, आगे वाली को चिपका रहे हैं वो भी दिखा देता हूँ। बेस वेरिएंट है पीछे की तरफ इसके अंदर घुमाने वाले आते हैं, पावर विंडो लग सकती है इसके अंदर लगवाना चाहे तो कोई, इसमें कह तो रहते लग जाएगी। बाकी यार अभी पूरा प्रोसीजर मेरे को भी नहीं पता कि क्या सीन है, लगेगी नहीं लगेगी, जो भी कुछ होगा मैं बताता हूँ। एंड कि जो इसकी आप लोग देख रहे हो स्कफ प्लेट, इसके अंदर अल्ट्रोस की ब्रांडिंग आती है, 3D इल्यूमिनेशंस में इसके अंदर लाइट्स आती हैं। एंड इसके अगर कनेक्शन की बात करूँ, काफ़ी लोग सोचते होंगे इसका कनेक्शन कैसे होता है, क्या वायर कट करते हैं या नहीं करते हैं। अब देखो भाई वायर कट नहीं होते, क्योंकि देखो वायर कट करने से एक तो भाई गाड़ी में भी नुकसान है और दूसरा आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वारंटी वॉइड हो जाती है। इसके लिए एक वायर डलती है पूरी आपकी, देखो यहाँ से शुरू होती है पूरी चारों डोर्स में जाती है, वायर होती है वो अपनी नॉर्मल, उसको स्लिप करा इसका कनेक्शन करा, और जो मेन वायर जो डालते हैं उसका कनेक्शन होता है सेंटर कंसोल वाली लाइट से। इस सेंटर वाली लाइट से कनेक्शन लेने से उसके दो बेनिफिट हैं, एक तो डोर ओपन करोगे क्लोज करोगे सेम उसके साथ ये बंद भी होंगे चालू भी होंगे, और साथ के साथ इसके अंदर आपकी कोई जो बैटरी जो है मतलब डिस्चार्ज भी नहीं मारेगी, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसके प्रॉपर बकेट वाले इसके अंदर डुअल टोन वाले सीट कवर्स चेकआउट कर लो, जिसमें भाई ऊपर से नीचे तक रिस्पॉन्स देख लो। एंड फिट एंड फिनिश की बात करी जाए तो ओके रिपोर्ट है, रिंकल्स वगैरह नहीं है, फिटिंग ओके है, कंफर्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। बाकी जो इसमें गाड़ी के ओनर है भाई आए हैं, उनके साथ भी काफ़ी सारे भाई हैं, उनसे भी रिस्पांस पता करेंगे कि ओवरऑल उन्हें गाड़ी पहले कैसी लग रही थी एंड अब कैसी लग रही है। आप लोग देख रहे हो लाइट्स, एटमॉस्फेयर लाइट कहते हैं इसको, इसके अंदर 8 से 9 कलर आते हैं, मैंने अपनी बहुत वीडियोज में ही बताया, अभी आपको एक बार ये जला के दिखा दूंगा क्या सिनेरियो रहता है इसका। एंड यहाँ पे भाई टाटा अल्ट्रोस के अंदर यहाँ पे आपको देख रहे हो ये कितनी सही चीज़ दे रखी है उन्होंने, यहाँ पे एक हुक मिल जाता है जिसमें थोड़ा बहुत अपना सामान टांगना हो तो ये अच्छी चीज़ है, बेस वेरिएंट से मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपकी जो 2 USB के पोर्ट्स हैं वो निकाल दिए, एक एंड्रॉइड ऑटो के लिए, एक चार्जिंग के लिए, और जो ये प्रॉपर अपना एंड्रॉइड स्टूडियो है जो कि भाई ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो इसका पूरा कंसोल है ना फ्रेम, ये निकाल के चेंज कर देते हैं, ये पूरा ये पार्ट जो है सारा पार्ट फ्रेम का ही है, तो इसको चेंज कर दो जिससे फिटिंग भी अच्छी आती है, टूटने का भी कोई खतरा नहीं रहता। एंड लुक तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी आ रही है। पल्ली साइड चल के आपको मैं इसकी मेन हाईलाइट्स दिखाता हूँ। देखो भाई ये इसका स्टेयरिंग व्हील, जिसके ऊपर नॉर्मल अपना जो OEM फिटिंग वाला रैप होता है वो कर दिया है, ब्लैक और रेड कलर की स्टिचिंग में यहाँ पे करा है, क्योंकि ब्लैक और रेड कलर के इसके अंदर जो सीट कवर्स है वो इंस्टॉल करे तो भाई को कॉम्बो भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। दूसरी चीज, बेस वेरियंट के अंदर ये ब्लैक पियानो फिनिश नहीं आती है, नॉर्मली रहती है, तो भाई इसके अंदर ये ब्लैक पियानो फिनिश के साथ स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लगाए हैं। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मेरे हिसाब से अगर आप किसी को दिखाएंगे तो देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो टाटा देता है सेम वही वाला है, और इनके अंदर जो लाइट जलती है ना वो भी सेम व्हाइट कलर की लाइट जलती है। अभी मैं आपको इसके अंदर लाइट्स भी ऑन करके दिखाता हूँ, उससे पहले एक बार एंड्रॉइड चेकआउट कर लेते हैं और एंड्रॉइड के साथ ये वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो चीज़ दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ इसका प्रॉपर एंड्रॉइड स्क्रीन है, एंड्रॉइड स्क्रीन के अंदर आपको फ्रंट का जो इंटरफेस है ऐसा देखने के लिए मिलता है। अभी इसका टाइम डेट वगैरह सब कुछ सेट होना बाकी है, ऐसे करके आप इसके अंदर प्रॉपर अपना यूट्यूब नेटफ्लिक्स जो भी कुछ आप लोग ऑनलाइन देखना पसंद करते हैं वो चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्ले स्टोर पर अपना अकाउंट लॉग इन कर लो एंड जो चीज़ आपको लगता है कि मुझे उसके नीचे वो आप कर सकते हैं। यहाँ से इसमें वाईफाई भी मिल जाता है, यहाँ से आप इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से इसकी जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल वॉल्यूम हम बंद कर देते हैं, ये स्क्रीनशॉट का मतलब कि जो एक प्रॉपर टैबलेट होता है वही है, ये प्रॉपर 2GB 16GB वाली स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर। और इसमें एक सेट तो डाला हुआ है भाई इन्फिनिटी प्राइमस का, और पीछे की तरफ डाले हैं कोएक्सल्स। इसके अंदर इसके ट्विटर की प्लेसमेंट है, क्रॉस ओवर भी इसी के अंदर लगा हुआ है, एंड जो वायरिंग है पूरी की पूरी बिना किसी भी वारंटी को वॉइड करते हुए एकदम प्रॉपर तरीके से जेन्युइन वाली करी हुई है। यहाँ पे सीट के नीचे इसके अंदर 4 चैनल एम्पलीफायर देखने के लिए मिल जाएगा भाई, यहाँ पे इधर तो आई थिंक विजिबल नहीं है, पीछे ही चल के दिखाना
पड़ेगा। पीछे चल के इसका मैं एक बार आपको एम्पलीफायर दिखाता हूँ, और उससे पहले स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल चेक कर लेते हैं, इज इट वर्किंग और नॉट। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करी जाए तो देखो भाई, वॉल्यूम अप एंड डाउन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। इसको होम कर देते हैं, बीच वाला बटन दबाएंगे तो अपना ब्लूटूथ के लिए भी वर्क कर रहा है, म्यूजिक पे लाना है, ब्लूटूथ पे लेके आना है। तो ओवरऑल स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के अंदर लाइट भी आपको देखो व्हाइट कलर की जलती हुई देखने के लिए मिल रही होगी, जो कि पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। और भाई व्हाइट कलर की जो लाइट जलती है ना, प्रीमियमनेस भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लगती है। हॉर्न सुना देता हूँ, एक मिनट, ये देखो ऐसा कुछ इसके अंदर डुअल हॉर्न का सेटअप लगाया हुआ है, उसकी साउंड भी काफ़ी ठीक है। एंड अभी तो इसके नीचे जो ये लाइट्स हैं ये भी पड़ी हुई हैं, गाड़ी के अंदर पूरी फ्लोरिंग भी हो रखी है, आप लोग चेकआउट करो इधर की तरफ। और भाई आर्म रेस्ट भी लेकर आ रहे हैं, सॉरी लकड़ी वाला आर्म रेस्ट है, प्लास्टिक वाला लगवाना भी नीचे वो टूट जाता है, ये लकड़ी वाला बेस्ट रहता है, यहाँ पर लग जाएगा आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट लगने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ प्रॉपर गाड़ी के अंदर जो चीज़ें रह गई हैं वो सारी चीज़ें। और 5 स्पीड की तो मैनुअल ट्रांसमिशन है ही, रिवर्स गियर लगा के रिवर्स कैमरा भी चेकआउट करा देता हूँ। रिवर्स कैमरे की अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो क्वालिटी डिसेंट इनफ है, मतलब ठीक है, और नाइट विजन के साथ भी आता है। और भाई गाड़ी का जो क्लच है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मतलब लिटरली एक जो इसका क्लच है अल्ट्रोस का, और एक इसका स्टीयरिंग व्हील। और गियर शिफ्टिंग भी ठीक है, थोड़ी बहुत हार्शनेस है उसके अंदर, बट बाकी ओवरऑल तो रिस्पॉन्स वाइज कोई दिक्कत नहीं है। बेस वेरियंट में देखो ऐसा कुछ इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, अगर अपर वेरियंट में जाओ तो सेमी डिजिटल आ जाता है, जिसमें स्पीडोमीटर तो आता है, बाकी इधर की सारी चीज़ें आप डिजिटली कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी इसमें टॉप एंड वेरियंट में क्रूज कंट्रोल हो गया आपका, रेन सेंसिंग वाइपर, मतलब काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं। एंड ये इसका ड्राइव मोड है यहाँ पे इको, ये देखो इको और सिटी दो मोड आते हैं इसके अंदर, यहाँ पे सिटी हो गया, इको हो गया। तो ये नॉर्मली भाई इसके अंदर जो फीचर्स थे वो दिखा दिए, नॉर्मल वाला इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल आता है। और ग्लोव बॉक्स की अगर साइज़ की बात करी जाए तो लिटरली भाई दिस इज टू मच बिग, काफ़ी अच्छा स्पेस है भाई इसके अंदर, काफ़ी अच्छा। और भाई और रगिड गाड़ी है ये, इसके गेट वेट अगर आराम से बंद करो ना होते नहीं है भाई, गेट एकदम पावर लगा के बंद करने पड़ते हैं। और इसकी जो साउंड वगैरह है, इसमें नॉर्मल साउंड है भाई, देखो बेस ट्यूब वगैरह लगी नहीं तो इसलिए साउंड नहीं सुना रहा, अगर इसमें साउंड लगा होता तगड़ा वाला तो सुना, तो जो नॉर्मल आवाज़ आती है एक डिसेंट आवाज़ इसके अंदर काफ़ी अच्छी बन गई है। और अल्ट्रोस के अंदर जो साउंड है ना वो थोड़ी सी बेटर आती है और कार से, क्योंकि भाई इसके अंदर जो डोर्स हैं उनके अंदर इंसुलेशन बहुत तगड़ी हुई हुई है, क्योंकि जो काम हमें आफ्टर मार्केट डैम्पिंग लगवा के करना पड़ता है ना हाई एंड साउंड के लिए, तो वो इसके अंदर इंसुलेशन काफ़ी अच्छी हुई हुई है, मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी दिखाया। और इस डोर के अंदर भी काफ़ी बड़े तरीके से इंसुलेशन आपको मिल जाती है। अब एक बार भाई इसका एम्पलीफायर चेकआउट करा देता हूँ, और जो फ्रंट के DRLs हैं वो ऑन हो चुके हैं, कुछ ऐसे इनकी भाई लुक देखने के लिए मिलेगी। इसी के अंदर अपने इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर भी आते हैं, और हेडलाइट जो है वो नॉर्मल ही है। एंड एक लुक की अगर मैं बात करूँ तो भाई लुक वाइज देख लो कितने ठीक लग रहे हैं। अब देख लो भाई हेडलाइट्स ऑफ होने के बाद इसका असली रिस्पॉन्स आपको अब नजर आएगा, ये देखो भाई एक बार इंडिकेटर ऑन कर देना भाई हजार्ड, ये देखो भाई अब इंडिकेटर ऑन करवा के दिखाता हूँ, ऐसा कुछ भाई इसके इंडिकेटर का रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा प्रॉपर। भाई देखो ऐसे जलेंगे ये, काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना जल रहे हैं, वाइप इन वाइप आउट वाले लुक में प्रॉपर, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सॉरी ओ हैंड ब्रेक खींचो। ये भाई इसके अंदर यहाँ पे 4 चैनल इसका एम्पलीफायर रखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है MG कंपनी का है कोई, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स आउटपुट जो है इसके 1000 है, मतलब कि नॉर्मली अगर इसके अंदर एम्पलीफायर भी अगर कोई हाई एंड लगवाना चाहे तो JBL सोनी वगैरह आप, तो मतलब वही बात है ना, जितने पैसे खर्च करोगे उतनी तगड़ी चीज़ आप करवा सकते हो। और ऐसा कुछ इसका ओवरऑल पीछे का रिस्पॉन्स है गाड़ी का। अब अगर मैं टोटल इसके अंदर जो काम हुआ है वो आप लोगों को काउंट करवा दूँ तो भाई गाड़ी के अंदर काम हुआ है खूब सारे, मतलब DRLs लगे हैं इसके अंदर, दूसरा सीट कवर लगे हैं, फ्लोरिंग हुई है, म्यूजिक का काम हुआ है, हॉर्न लगा है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लगे हैं, पियानो ब्लैक फिनिश हुई है स्टीयरिंग के ऊपर। एंड उसी के साथ आप लोगों ने देखी लगी पूरी गाड़ी व्हाइट कलर में कितनी ज़्यादा बेहतरीन सी लग रही है, और 90 डिग्री ओपन हुए हुए इसके अभी इस टाइम पे डोर्स भी हैं। तो ओवरऑल ऐसी कुछ भाई आज का अपना अल्ट्रोस का वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। तो भाई देखो फाइनली जो टाटा अल्ट्रोस आज हम देख रहे थे बेस वेरिएंट, सबसे पहली बात तो ये रिदम पैक और नहीं लिया था भाई ने, बिल्कुल प्योर बेस वेरिएंट था जिसके अंदर आज लगभग भाई ने अच्छा खासा काम करवाया, टोटली सभी कुछ करवा लिया जो एक बेस वेरिएंट के अंदर रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं भाई से मिला देता हूं, भाई आपका नाम? सचिन नागर। भाई भाई का नाम है सचिन नागर, और पीछे भाई के काफी सारे दोस्त बैठे हैं, भाई सब अपना अपना नाम बता दो। हेलो अतुल। अतुल भाई, और ये राजू भाई, और नवन भाई। नवन भाई। तो भाई सारे भाई अपने ओवरऑल दिल्ली से हैं, दिल्ली साकेत से। तो भाई सबसे पहली बात तो आपने अल्ट्रोस के अंदर जो आज काम कराया है, तो आपको काम कैसा लगा भाई? काम बढ़िया है भाई, वायरिंग वगैरह भी सब ओके है, ठीक है, कोई वायर कट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और क्या चाहिए भाई, वारंटी में लैप्स नहीं हुई। और आपका जितना भी काम हुआ है, मतलब जैसे आपने काम करवाया, आपको किस चीज को लेकर कोई दिक्कत आई? आपने जो रेट वगैरह सब भाई ने बढ़िया मेरे को कंट्रोलर भी लगा के दे दिया, फिनिश में जो मैं लगवाना चाहता था बजट से बाहर हो रहा था वो भी भाई ने मेरे को ठीक रेट में लगा के दे दिया, वाले हॉर्न मतलब जो भी अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह है ओके कर दिया भाई ने। जैसे भाई आप सारे भाई बैठे हो, सब एक बात बताना, आप लोग जब आए होंगे जब इसमें रॉ थे सीट्स और अब सीट कवर्स लग गए, कुछ फर्क? कवर तो भाई कंफर्टेबल, सीट कवर में तो मतलब लगा लो
मजा आ गया, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी भाई है भाई। आप लोग रिकमेंडेड है भाई, बंदों को रिकमेंडेड है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी थी, बाकी चैनल्स पे भी, ठीक है भाई। एंड मैं आप ही के पास आ गया, मैं फोन करके, और भाई ने इत्तेफाक से देखो मेरी भी एक वीडियो देख रखी थी और अभी पता चला, और मुझे बाद में पता चला कि ये भाई, मुझे भी नहीं पता था कि भाई मतलब वीडियो देख क्या है। चलो ठीक है, वो तो ओवरऑल मतलब भाई रिकमेंड करेंगे है भाई, 100% रिकमेंड करूंगा। और आपका टाइम कितना लग गया लगभग भाई? टाइम पे दे दी, चार पांच तो नहीं लगे, तीन चार घंटे लग गए, हम लेट आए थे पीछे से ही, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमने काम भी धीरे धीरे बढ़ाया, तो मतलब टीम में म्यूजिक का काम अगर सिर्फ अगर अच्छा काम करवाते तो भाई थोड़ा टाइम लग जाता है। नहीं, ऑब्वियस ही बात है भाई, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, काम ओके होना चाहिए अपना, काम को लेकर कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है ना। आपके देखो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह सब वर्क कर रहे हैं, इंफोटेनमेंट अच्छे से वर्क कर रहा है, और जो साउंड निकलवाया आपने, जिस प्राइस पे आपने अपना म्यूजिक लगवाया है, उस हिसाब से साउंड आपको ओके लग रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, बढ़िया लग रही है, साउंड क्वालिटी मस्त है ना। थैंक यू।